हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? अब तक तो आपने जान ही लिया होगा कि मेरा पहला सेंटेंस यही होता है, राइट? क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ, आप तो पूछ नहीं सकते, फिर भी बता देता हूँ। ओके, और मेरी दुआएं रहेंगी कि आप सब लोग भी सेफ रहो करोना से, आपके फैमिली मेम्बर्स भी सेफ रहें करोना से, ठीक है? और दुआ करिए सब मिलके कि जल्द से जल्द ये बीमारी टले इस दुनिया से, राइट? क्योंकि नॉर्मल लाइफ बहुत ही मिस कर रहे हैं लोग, मैं भी, आप भी, सब लोग। बट जब तक सब कुछ नॉर्मल ना हो जाए, अपने आप का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बाहर जाइए तो मास्क पहन के जाइए। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बट उससे पहले एक थॉट, क्या है भैया आज का थॉट? तो आज आप पढ़ चुके होंगे अब तक, द एक्सपर्ट ऑफ एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर, राइट? किसी भी चीज का अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो उसने भी शुरुआत से शुरू की होगी, राइट? और वो प्रैक्टिस करते गया, रुका नहीं, प्रैक्टिस करते करते उस फील्ड में क्या हुआ, वो एक्सपर्ट बन गया, राइट? तो आपको भी यही करना है, एक्सपर्ट बनना है तो सबसे पहले शुरू तो करो, राइट? आपको पहले स्टार्ट करनी होगी, उसके बाद ही आप भी किसी फील्ड में, किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन सकते हैं। ओके, सो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, इससे पहले मैंने 1 मार्क और MCQ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऑफ द ईयर 2021 मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2, राइट? तो इस वीडियो में मैं मेनली 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ओनली 2 मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, ठीक है? बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और किए हैं तो थैंक यू। इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो देखिए क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ पे दिया है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है ये लीनियर इक्वेशन है, राइट? बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इस साल एलिमिनेशन मेथड ही है, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और ये क्या दिया है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम आइदर x या y वेरिएबल ऑफ बोथ द इक्वेशन को एलिमिनेट कर देते हैं। वो किसका होगा, जिसका कोएफिशिएंट सेम होगा, एक्स या y का। ओके, तो यहाँ देखिए y का कोएफिशिएंट सेम है और ये प्लस ये माइनस, मतलब डायरेक्ट एडिशन, y माइनस वाई, यहाँ पे प्लस ये माइनस है तो y माइनस वाई ये 0 हो गया, ये भी प्लस x, ये 2x, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x ऐड हो रहा है क्योंकि दोनों प्लस हैं, और यहाँ भी ये दोनों ऐड होगा तो 7 प्लस 8 इज 15। तो इस हिसाब से हमें x मिला 15/3 विच इज इक्वल टू 5। तो x तो भैया मिल गया कितना, 5, राइट? अब y कैसे मिलेगा, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो x का वैल्यू, तो ये 8 माइनस x, तो 8 माइनस x है 5, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3। सो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें पहला इक्वेशन 5 प्लस 3 8 मिल रहा है, तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। ओके, सुपर ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले भी बताया कि 2 मार्क क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट होते हैं कंपेयर टू 1 MCQ, 3, 5, 4 जो भी है, 2 मार्क्स सबसे इजी होते हैं, क्योंकि बस डायरेक्ट करना है, यहाँ पे कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, डायरेक्ट सिंपल फ्लो में जाना है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ही। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन ए बी 2, 7, 12 यूजिंग द फॉर्मूला 10th टर्म। तो पहले तो हम ए बी लिख लेते हैं, इट इज 2, 7, 12 अप टू nth टर्म, पता नहीं है हमें क्या फाइंड करना है, n जब 10 होगा तो 10th टर्म क्या है, मतलब a 10 फाइंड करना है, राइट? तो पहले तो डेटा लिख लीजिए, इसमें a क्या दिख रहा है, फर्स्ट टर्म 2 है, D क्या है भाई, इट इज 7 माइनस 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5, राइट? और
हमें फाइंड करना है ए टेन, तो ए एन फॉर्मूला यूज करिए। पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, बिना फॉर्मूला के मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो ये है फॉर्मूला हमारा ए एन के लिए। तो ए टेन क्या हो जाएगा, ए दैट इज 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 5। सो 2 प्लस, ये पहले करना होता है बॉड मस रूल के हिसाब से, 10 माइनस 1 9 और इंटू 5। तो ये 2 प्लस 9, 5 इज 45, तो ये मिल गया आपका 49। तो ये क्या है, 10th टर्म है हमारा। 10th टर्म क्या है, इट इज 49। ओके, सो ये भी इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, यहीं पे कर देता हूं। देखिए क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ 2 प्लस 5 प्लस 8 अप टू 20 टर्म्स यूजिंग फॉर्मूला। ये भी एपी का ही क्वेश्चन है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले 2 प्लस 5 प्लस 8 अप टू कौन सा टर्म, 20 टर्म। तो n क्या है, 20, मतलब इसका 20वां टर्म तक जाके जो पूरा एपी बनेगा टोटल सम कितना होगा। तो देखो सेम a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म 2 है, d क्या होगा सेम 5 माइनस 2 दैट इज 3। एस एन का फॉर्मूला आप यूज करो, क्या है फॉर्मूला, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करना और कुछ नहीं, n क्या है भाई, इट इज 20, दिस इज s 20, तो 20 बाई 2 इंटू 2 इंटू a क्या है 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी क्या है 3। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन है, ज्यादा दिमाग ही नहीं दौड़ाना है। 2 टेन्स, तो ये 10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ ब्रैकेट में पहले ये 2 टू 4 प्लस ये कितना आएगा 19, राइट। तो 19 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 10, 4 प्लस 19, 3 से कितना होता है 57, राइट। तो अब इनको ऐड करो, 10 इंटू 57 प्लस 4 कितना होगा भाई, 61 होगा। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6110 मिलेगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर एस 20, द सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू 610। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस राइट द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो पहले तो इक्वेशन आपको ऐसे लिख लेना है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको जनरल से कंपेयर करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a क्या है 3 दे दिया है, b क्या है माइनस 5 और c क्या है भाई 2 है। अब डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखना जरूरी है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है माइनस 5, तो माइनस 5 लिखना है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 है और c है 2, तो 5 स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये डायरेक्ट 25 हुआ और ये 4 3 इज 12, 12 2 इज 24 हुआ। तो कितना आया वैल्यू, d का वैल्यू आया 1 और ये मोर देन 0 है। तो जब भी d का वैल्यू मोर देन 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं कि रूट्स आर रियल एंड व्हाट, डिस्टिंक्ट। तो ये है नेचर ऑफ द रूट्स, डिस्टिंक्ट। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। सो अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी दो है, मैं दोनों करा दूंगा। क्या दिया है, सॉल्व x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये भी पहले जनरल फॉर्म में लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ भी a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 2 है एंड c इज इक्वल टू 3 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है लिखना वो जरूरी है, मतलब रूट कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, सब्सटीट्यूट करो, माइनस लिखना है क्योंकि फॉर्मूला में दिया है, अब ये नहीं देखना इधर माइनस दिया तो ये माइनस गया, नहीं नहीं माइनस लिखो। अब ब्रैकेट में b का वैल्यू डालो माइनस 2 प्लस और माइनस रूट ऑफ, यहाँ भी माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 क्लोज द ब्रैकेट और ये 2 इंटू ए क्या है 1। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस और माइनस रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 3 से कितना होता है 4 1 4 4 3 से होता है 12, तो डिवाइडेड बाई
2 होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस और माइनस ये कितना मिलेगा, 4 में से माइनस 12 गया तो होगा माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये रूट 8 देख के, माइनस 8 देख के घबरा नहीं जाना। देखो इसको क्या करेंगे, प्लस और माइनस ही लिखेंगे, और इसको हम 4 इंटू माइनस 2 कर सकते हैं, राइट, सेम ही है, इज इक्वल टू 2। वो क्यों किया, क्योंकि ये 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, रूट 4 क्या होता है 2, इंटू यहाँ पे माइनस 2 ही रखिए डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखो गौर से 2 2 2 हर जगह दिखाई दे रहा है, तो 2 को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस और माइनस रूट माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 2 गेट कैंसल, हमारा x का वैल्यू क्या आया, 1 प्लस और माइनस रूट माइनस 2। इतना करके आप छोड़ दो फिर भी पूरा मार्क्स मिलेगा, ओके। सो इसमें भी कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन तो हमने सही लिखा था ना, ए बी सी, हाँ ए बी सी सही लिखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं और वाले क्वेश्चन की तरफ। सो और वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो यही इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एग्जाम में आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना है जो आपको इजी लगे वो। तो ये देखिए फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे, तो यहाँ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं ये लिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए इंटू सी पहले मल्टीप्लाई करना होगा, ए इंटू सी, और यहाँ पे आपको लिखना होगा ये जो भी b है, राइट। तो इसमें देखा जाए तो ये क्या होता, 6 होता और यहाँ पे 5 होता, करेक्ट। तो हमें अब ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 है। तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको 3 और 2, 3 2 जो 6 और 3 प्लस 2 कितना होता है 5। तो अब आप इसके बदले, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं, तो मिडिल टर्म को हमने किससे स्प्लिट कर दिया, 3 और 2 से, तो वही लिखना है एक्स स्क्वायर 5x के बदले 3x प्लस 2x प्लस 6 जैसा था वैसे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन है तो बच गया x प्लस 3, और यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है तो बच गया यहाँ भी x प्लस 3। हमेशा ये दोनों सेम आएंगे कभी भी, तो अब उन दोनों को निकाल लेते हैं। तो x प्लस 3 कॉमन हो गया तो इधर बचा सिर्फ x और यहाँ बचा सिर्फ प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 2। सो दीज आर द वैल्यूज। तो कंपेयर टू फॉर्मूला यही मेरे को इजी लगा, बाकी आपके ऊपर है, आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो करो, ओके। सो मुझे लग रहा है ये भी आपको समझ में आ गया है, तो चलिए इसी को मान के मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। ए दिया हुआ है 3.6 और बी दिया हुआ है 5.7। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ए बी का फॉर्मूला क्या है, इट इज रूट ऑफ डिस्टेंस क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो इसको आप मान लो एक्स वन वाई वन, इसको मान लो एक्स टू वाई टू, बस सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पे एक्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स टू है 5 माइनस एक्स वन है 3 होल स्क्वायर प्लस वाई टू है 7 माइनस वाई वन है 6 होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 3 2 स्क्वायर प्लस 7 में से 6 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 दैट इज रूट 5। इसको कुछ कर सकते हैं नहीं, तो आपको इतना ही लिख देना ए बी इज इक्वल टू रूट 5। सिंस ये डिस्टेंस है, यूनिट्स लिखना यहाँ पे जरूरी है, ओके। सो इतना आप करोगे पूरा मार्क्स मिल जाएगा, मतलब 2 मार्क। अगर समझ में आ रहा था यार जल्दी से पॉज करके पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट लास्ट में कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, ओके मैं बार बार नहीं बोलूंगा, हाँ ओके। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये और वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ए दैट इज 0.00 एंड बी 5.10 इन द रेशियो 2:3। मतलब एक लाइन है ये,
ए बी मान लेते हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है, ए का वैल्यू है 0,0 और बी का वैल्यू है 5,10, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी फाइंड करना है, समझ लो पी कहीं पे ऐसा होता, ठीक है, और ए और पी के बीच, अच्छा चलो मैं पी यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, एक्स वाई है मान लेते हैं, अननोन है, और ए पी का रेशियो दिया है 2 और पी बी का रेशियो दिया है 3, समझ लो मतलब एम वन हो गया 2 और एम टू हो गया 3, ओके, और ये हो गया आपका एक्स वन वाई वन, ये हो गया आपका एक्स टू वाई टू। तो कौन सा फॉर्मूला है, जब भी आपको ये पॉइंट पी एम वन एम टू दिया जाए या मिड पॉइंट दिया जाए तो आपको सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है, वो क्या है, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, हाँ वही वाला फॉर्मूला, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू कॉमा, ये एक्स के लिए हो गया, यहाँ पे जो एक्स है, वाई के लिए एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू, ये एम वन है ये वाई टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन और कुछ नहीं करना, तो एम वन है 2 इंटू एक्स टू है 5 प्लस एम टू है 3 इंटू एक्स वन है 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, उसी तरह एम टू है 3 इंटू वाई वन है 0 प्लस एम वन है 2 इंटू वाई टू है 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, चाहे 2 प्लस 3, ये आपको सही से सब्सटीट्यूट करना है वरना गलत हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये 2 5 कितना होगा 10 प्लस 3 इंटू 0 0 ही रहेगा, है ना, तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ, और 3 प्लस 2 5 हो गया, यहाँ भी ये 0 और ये 10 2 20 होगा और 3 प्लस 2 5 होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 होता है, राइट, तो यहाँ पे 2 आ गया और ये 5 4 20 मतलब यहाँ पे 4 आ गया। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या है, दैट इज एक्स कॉमा वाई क्या है 2,4, मतलब एक्स 2 है और वाई कितना है 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन में, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, देखिए, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट पी ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। वाह, ये तो थोड़ा अजीब क्वेश्चन है बट इजी है, घबराना नहीं है। पहले तो आपको एक सर्कल बनाना है, ऐसे मैं रफली अगर बनाऊं, अगर आप खुद करोगे कॉम्पास वगैरह लेके नोटबुक पे तो और अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो एक सर्कल बनाइए ऑफ द रेडियस, कितना है रेडियस, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो समझ लो ऐसे यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके, इसको मान लेते हैं ओ और इसको मान लेते हैं ए, एक सर्कल बनाया। अब क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 एट ए पॉइंट पी ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। तो इसको बोला जाता है क्या, सर्कमफ्रेंस बोला जाता है पूरा। अब इसके ऊपर एक पॉइंट पी है, अब मैं यहाँ पे ए लिया हूँ, चलिए इसको पी बना देता हूँ, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ इसको, इस पॉइंट। अब इस पॉइंट पी पे क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें एक टैंजेंट बनाना है, सिर्फ एक टैंजेंट। तो वो कैसे बनेगा, सो कैसे करेंगे इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करोगे आप, सिंपल है, देखो सिर्फ एक टैंजेंट बोला है ड्रॉ करने को और पॉइंट पी कहाँ होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस में, मतलब यहाँ इसके पास पॉइंट होना चाहिए। तो मतलब क्या, जब भी बोला जाए कि पॉइंट सर्कल पे है, राइट, एक्सटर्नल पॉइंट नहीं दिया है, तो आप क्या करो, यहाँ से पी के पास से एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दो। वो कैसे होता है, ऐसे खींचो इसको, थोड़ा एलोंगेट कर दो, एक आर्क कट करो यहाँ रख के, फिर इधर इधर से कट किए, फिर इन दोनों को ऐसे कट कर दिए, फिर ये जहां जाएगा ऐसे खींच देना लंबा, ठीक है। और ये आप यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है ये कहाँ पे होना चाहिए, राइट, तो इसको आप नाम दे देते हो कुछ, समझ लो एक्स, जैसे यहाँ तक आया, अब इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दो ओ एक्स, या ना ओ एक्स ज्वाइन नहीं किए तो भी चलेगा। सो ये जो एक्स पी आया, ठीक है, ये है एक्स पी, ये स्ट्रेट होगा, एक्स पी इज आवर टैंजेंट, समझे। अब ये कैसे चेक करोगे कि ये सही है या गलत, तो सही कैसे होगा, हमें पता है कि रेडियस और टैंजेंट दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो एज पर दिस थियरम वी कैन से कि दिस इज आवर करेक्ट
करेक्ट आंसर। आप ये ज्वाइन नहीं करें तो भी चलेगा, ज्वाइन कर दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिए तो ऐसे ही करना डायरेक्ट। समझ में आया? चलिए वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अब तक आपने क्या नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। ओके कर दो यार, कितना बार बोलवाओगे। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, इसको अल्फा बोला जाता है, एंड कॉस थीटा। तो ये भी इजी है भाई, बस डायग्राम को दो बार बना दो आप, एक बार बनाओगे तो भी चलेगा, बट बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा जल्दी। तो यहाँ पे कुछ भी दे, इसको समझ लेना ये एंगल है बस। अब यहाँ अल्फा दिया है, टीटा दिया है, और यहाँ पे क्या, ये टीटा एक बार इधर लिए, तो इधर पे मैं लिखता हूँ 4 है, यहाँ पे 3 है, ये 5 है, ये भी सेम ही है, 4 5 3। चलो इसका नाम भी दे देते हैं, ये ए बी सी है, ये 90 डिग्री है, ये भी ए बी सी है, और ये है 90 डिग्री। तो देखो साइन अल्फा बोला है, तो इस फिगर में आपको देखना है साइन एंगल क्या होता है। तो हमने पढ़ा था सुहेल के बारे में, राइट, क्या होता है ओ बाई एच। तो अगर ये अल्फा है तो ओ क्या होगा, ये होगा, एच क्या होगा, ये होगा, मतलब हाइपोटेनस, और ये क्या होगा, ये, राइट। तो साइन अल्फा इज अपोजिट, तो आप यहाँ BC लिखो, अपोजिट क्योंकि साइड BC है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है AC, ठीक है। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पे क्या है cos थीटा, तो इसमें आपको cos थीटा लेना है, तो थीटा cos का फॉर्मूला क्या था, चलो सोहेल के पास वापस आ जाओ। सोहेल कहाँ जा रहा है बेटा, कहाँ, CAH टू अमेरिका। ये ट्रिक अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आप देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये ट्रिक आप सीख लो। ये बार बार जो मैं बोल रहा हूँ सोहेल कहाँ जा रहा है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, ठीक है, सोहेल से अच्छे से परिचित होंगे ये लोग। ओके टू अमेरिका, चलिए तो ये ए बाई एच है, मतलब एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पे टीटा इधर है, तो ये उसके अपोजिट वाले साइड को अपोजिट बोलेंगे, ये हमेशा हाइपोटेनस होगा 90 डिग्री के अपोजिट, जो बच गया वो एडजेसेंट होगा। cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे एडजेसेंट क्या है BC और हाइपोटेनस है AC, तो BC का वैल्यू है 3 और 5 है इसका वैल्यू। तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे sin अल्फा प्लस cos थीटा, क्योंकि वही दिया है, तो ये भी 3/5 मतलब 3/5, और ये भी 3/5 मतलब 2 बार 3/5, सो 2 × 3/5 हो जाएगा, तो ये 6/5 विल बी आवर आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, पूरे क्वेश्चंस इजी थे एकदम, फटाफट कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही एग्जाम में करना है, ओके, और एग्जाम तो बाद में लिखना भाई, पहले तो कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा सा कमेंट लिख दो अगर अच्छा लगा है तो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। एंड वन मोर थिंग, वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो। Thank you for watching. See you in the next video. Bye.